Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Murshad Zaid. Today we are going to discuss plastid, a very prominent organelle found in the plant cells only and certain algae. In animal cell, plastids are absent. Plastid jo hai, wo animal cell mein absent hote hain. Plastid double membrane structure hai. Aur sabse important jo plastid hai, that is chloroplast, which is found in the green plants or algae. So, plastid at the basis of the function is divided into three types. One is chloroplast. Second one is chromoplast. And the third one is leucoplast. ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है. हम डिटेल से क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं. क्लोरो क्रोमोप्लास्ट इज द नेम इंडिकेट क्रोमो मीन कलर, कलर एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड. सो दिस क्रोमोप्लास्ट इज बेसिकली कलर्ड प्लास्टिड. ये क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है एंड इट कंटेन द कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, कि जो ग्रीन कलर होता है वो इसमें मौजूद नहीं होता, बाकी सारे कलर जो है इसमें मौजूद होते हैं. एंड इट इज फाउंड इन द फ्रूट्स और पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसका जो पेटल होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है, ये इसमें मौजूद होता है. कभी रेड होता है, कभी येलो होता है, कभी ब्लू होता है, पिंक होता है, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के कलर उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें ग्रीन कलर जो है वो मौजूद नहीं होता. या जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो छिलके वगैरह होते हैं उसके ऊपर, इसके अंदर ये मौजूद होता है. और ये क्या कर रहे हैं, इट दिस क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. जो पॉलिनेशन होती है, जो डिस्पर्सल होता है सीड्स की, उसमें ये हेल्पफुल होता है कि वहां से क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट करता है उन पॉलिनेटर्स को, ताकि इसके थ्रू पॉलिनेशन हो या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स वगैरह हो, ठीक है. सो क्रोमोप्लास्ट इज बेसिकली फाउंड इन द दिस इज फाउंड इन द पेटल्स और फ्लावर्स एटसेट्रा. एंड द ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस. This one is colorless plastid. कि इसमें कोई कलर मौजूद नहीं होता और ये स्टोरेज का काम करते हैं. मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, जस्ट लाइक ट्यूबर्स हो गए या रूट्स वगैरह हो गए, उसमें ये पाया जाता है. और ये प्रोटीन की स्टोरेज कर लेता है, प्रोटीन या स्टोर कर सकता है, या लिपिड स्टोर करता है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो स्टोर कर देता है. सो दिस वन इज स्टोरेज प्लास्टिड. दिस वन इज आल्सो नोन एज स्टोरेज प्लास्टिड. और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है. यहाँ पर ये इसमें जो प्रोटीन्स स्टोर हो सकते हैं, लिपिड स्टोर हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है ये स्टोर हो सकते हैं. और इसको ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जो चीज इसके अंदर जो है वो स्टोर हो रही होती है तो उसका कलर उसमें आ सकता है, लेकिन इसका अपना कोई कलर जो है मौजूद नहीं होता. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि दिस इज फाउंड इन द ओनली इन द प्लांट सेल्स. सो क्लोरोप्लास्ट इज द नेम इंडिकेट ग्रीन प्लास्टिड. क्लोरो मीन ग्रीन एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड. सो ग्रीन प्लास्टिड, दिस इज नोन एज ग्रीन प्लास्टिड. दिस इज ग्रीन प्लास्टिड एंड दिस इज रिक्वायर्ड इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें ये रिक्वायर्ड होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन्स, व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉइंस, इन द फॉर्म ऑफ स्टेक्स, एंड दिस स्टेक्स आर नोन एज स्टाइलाकाइट. This is the simple structure, ठीक है. ये inner membrane होता है और inner membrane के साथ साथ जो ये क्या, inner membrane is basically present in the form of the this stakes which is known as thylakoid. Which is known as thylakoid, ठीक है. So this one is the outer membrane. Outer membrane. This one is the inner membrane, known as thylakoid.
ठीक है, थायलाकाइड मेम्ब्रेन होता है। अब ये थायलाकाइड जो है यहां पर एक इस ये सारे ये एक स्ट्रक्चर इस एक कंपोनेंट को मैं नॉर्थ कर देता हूं, दिस वन दिस इज अ थायलाकाइड, ठीक है। ये बड़ा होता है, इसके साथ ये सारे ढेर सारे इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इसमें होती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है इसमें, सो ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हैं, वन इज द लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन वो है जिसके लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है। सो लाइट रिएक्शन अकर्स इन दिस पार्ट, लाइट रिएक्शन अकर्स इन दिस पार्ट एंड दिस सिंगल पार्ट इज नोन एज ग्रेनम, G-R-A-N-U-M। सो ग्रेनम, ये ग्रेनम और ये ग्रेनम मिलकर ग्रेना बनाते हैं। सो इनर मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना, थायलाकाइड के फॉर्म में भी है। थायलाकाइड एक स्टिक को कहते हैं, ये जो कॉइन होता है जस्ट लाइक द कॉइन्स, और ये जो कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पाइज होते हैं, इसे पड़े हुए होते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर इज ग्रेनम, वेल दिस ग्रेनम, दिस ग्रेनम, दिस ग्रेनम कलेक्टिवली नोन एज ग्रेना। सो इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेना एंड द फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर। सो इट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है, जिसके लिए लाइट रिक्वायर्ड है, तो वो ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लिहाजा ये ग्रीन हमें दिखता है। ये क्या दिखता है, ग्रीन हमें इसलिए दिखता है कि यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। एंड दिस ग्रेनम थायलाकाइड इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है, दिस इज ग्रेनम एंड दिस पार्ट इज नोन इज स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो बीच में मौजूद होता है, एंड दिस इज नोन इज द ग्रीन कलर विच इज इन बिटवीन दिस टू, दिस इज नॉट ग्रीन रादर, दिस इज इंटर ग्रेना, this one is known as intergrana or intergranum, ठीक है। so this one is intergranum, और ये जो स्पेस है, इस स्पेस में डार्क रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, एंड हियर डार्क रिएक्शन अकर्स, डार्क रिएक्शन, इट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो डार्क रिएक्शन यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स होता है। और ये क्या है, इसके अलावा इसमें इसमें जो यहाँ पर इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, इसके साथ इसका राइबोसोम है, दिस इज राइबोसोम, दिस वन इज डीएनए, ठीक है। यहाँ पर आइंस होते हैं, साल्ट वगैरह हो सकते हैं, या वाटर वगैरह मौजूद है, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं इस ग्रेना में। सो ये क्या, स्ट्रोमा में, सॉरी, सो स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। और ये सारे के सारे, ये जितने भी इस इन प्रोसेसेस के लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड है, जितने वाटर, जो मॉलिक्यूल, जो भी चीज रिक्वायर्ड है, वो सारे के सारे स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। सो स्ट्रोमा इज बेसिकली द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ग्रेना इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड ग्रेना इज कंपोज्ड ऑफ द थायलाकाइड, द स्टेक्स ऑफ द थायलाकाइड व्हिच आर पाइल्ड और कोइंट अबव ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे मौजूद होते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से लेकर 60 तक के ग्रेनम हो सकते हैं, ठीक है, टोटल जो है 40 से लेकर 60 तक के ग्रेनम हो सकते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट फाउंड टोटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल दिस प्लास्टिड, ठीक है। और इस ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए और इसके साथ साथ अपना राइबोसोम मौजूद होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू।